मक्तल से धनंदर रेड्डी, नारायणपेट से रतन पान रेड्डी और भारी संख्या में उपस्थित पारामुरु डिस्ट्रिक्ट के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, नमस्कारम तेलंगाना। श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, दक्ष रामम के रूप में त्रिलिंग के आशीर्वाद से अभिषिंचित तेलंगाना की पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे यहां आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि यहां पर मुझे संसद के दौरान जो हमारे पुराने मित्र थे श्री जितेंद्र रेड्डी, उनके साथ लंबे समय तक हम लोगों ने संसद में काम किया और पार्लियामेंट में कार्य करते हुए वे इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट में लगातार लड़ते थे, कार्य करते थे। तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर आज मुझे उनसे मुलाकात हुई। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर उनका भी और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं तेलंगाना राज्य की बात करता हूं तो एक और प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस राज्य पर है, दूसरी ओर यहां पर संघर्ष करने का जज्बा यहां के नौजवानों, यहां के किसानों के मन में है। तेलंगाना राज्य के लिए चले आंदोलन में एक लंबा संघर्ष यहां के नागरिकों को करना पड़ा था। 1969 का संघर्ष हो या 2001 से लेके 2014 तक चला यह आंदोलन, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपनी आहुति देकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना राज्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही और दूसरी तरफ तेलंगाना की सत्ता राज्य बनने के बाद जिन हाथों में आई, भाइयों बहनों, केसीआर के नेतृत्व में टीआरएस ने यहां के सारे सपनों को धूल दूषित कर दिया है। अब भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है और इस माफिया के खिलाफ ही चेतावनी देने के लिए और इस महबूब नगर को फिर से पालामुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यह माफिया इसी प्रकार से हावी थी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी,
आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं, और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते हैं आप भी। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। एक कांग्रेस के समय में आतंकी हमले होते थे, आतंकी घुसपैठ होती थी। आज आतंकी हमला या घुसपैठ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है, आतंकवादियों को भी और उनके आंकड़ों को भी मालूम है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत, यह छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देना जानता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा हमारी सीमाओं की सुरक्षा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, और भाइयों बहनों एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, अनेक वेलफेयर की स्कीम। अभी यहां पे श्री के लक्ष्मण जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश ने 6 वर्ष में, भाइयों बहनों 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों के लिए एक एक प्रधानमंत्री आवास बन गया, 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए,
और 75 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंच गए। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। आपने देखा होगा सर्वाधिक पेपर लीक, युवाओं को नौकरी और रोजगार तेलंगाना सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 6 वर्ष में 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, लेकिन भाइयों बहनों तेलंगाना की सरकार इन नौकरियों को देने में विफल है। यहां पे तो तेलंगाना राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने के कारण युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार मौन बनी हुई है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, भाइयों बहनों मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, 6 लाख नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है, 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र नौकरी मिलने वाली है, सभी लोगों को बिना भेदभाव के मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के समय में नारा दिया जाता था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरा। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और परिणाम क्या रहा, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के इस नारे ने आज देश में हर गरीब तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, ये नया भारत है, वैश्विक स्तर पर सम्मान है तो सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, वेलफेयर की स्कीम भी बिना भेदभाव के तबके के नागरिकों को प्राप्त हो रही है। तो भाइयों बहनों, आपकी आस्था का भी सम्मान है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? कांग्रेस कर पाती? और अब तो 22 जनवरी को 2024 अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। आप मुझे बताओ तालामुरु से कितने राम भक्त अयोध्या आने के इच्छुक हैं? अयोध्या कितने लोग आना चाहते हैं? आप सभी अयोध्या आने के इच्छुक हैं ना? और मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब सीएपी मिथुन रेड्डी को तालामुरु विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जिता करके भेजिए, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। और मैं बदले में सीएपी जितेंद्र रेड्डी जी से और सीएपी मिथुन रेड्डी जी से कहूंगा कि इन सभी राम भक्तों को लेकर के अयोध्या 22 जनवरी के बाद पधारे। अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में आपका अभिनंदन करते हैं, मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप अयोध्या के बाद आइए, अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसकी व्यवस्था हम लोग अयोध्या में करने की तैयारी करेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था करेंगे जिससे यहाँ से आप भी अयोध्या की यात्रा पे आ सकेंगे। और इस दिन से मेरी आपसे अपील है, सीएपी मिथुन रेड्डी, श्री प्रशांत रेड्डी, श्री बंटू रमेश, श्री अंधे बपन्ना, श्री चित्रंजन दास, श्री जलंधर रेड्डी, श्री रतन पांडे रेड्डी, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स हैं, इन सबको कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।